जिसका हमें काफी समय से इंतजार था। माननीय भूतपूर्व विधायक जी, मांडर विधानसभा क्षेत्र, आपको हम अपने बीच में पाकर अपार खुशी का अनुभव कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति ही हम युवाओं में ऊर्जा और स्फूर्ति भर देती है। लंबे समय से आपका इंतजार था, आखिर वो पल आ ही गया है। माननीय सर, हम युवागण आपसे सुनने को बेताब हैं। अतः आपसे सादर आग्रह है कि आप हमें संबोधित कर हमें ऊर्जावान बनाएं। कृपया जोरदार तालियों से सर बंधु तिर्की जी का स्वागत कीजिए। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी ट्राइबल सोसाइटी के तत्वाधान में जो सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, और इस तरह का आयोजन संत जेवियर्स कॉलेज के परिसर में विगत लंबे समय से किया जाता रहा है, और यह आयोजन विशेषकर करम त्योहार के बाद में यह आयोजन किया जाता है, और इस अवसर पर उपस्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज के रेक्टर फादर सम्मानित फादर अलेक साहब, सेंट जेवियर्स कॉलेज के सम्मानित प्रिंसिपल फादर नबोर लकड़ा जी, वाइस फादर प्रिंसिपल अजय जी, फादर जस्टिन जी, फादर अजय अनिल तिर्की जी, और भूतपूर्व प्रचार्ज हमारे यहाँ पर उपस्थित है, और साथ में फादर जो ट्राइबल सोसाइटी के संरक्षक हैं, फादर प्रभात जी, केंद्रीय सरना समिति के सदस्य श्री संतोष तिर्की जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित पुरोहित और हमारे यहाँ पर सिस्टर्सगण, विभिन्न छात्रावास से आए हुए हमारे सभी अधीक्षकगण और विभिन्न संघों के यहाँ पर सभी नेतृत्व करते हैं सभी लीडर्सगण, और विशेषकर आपके बीच में आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मांडर की विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की जी, मंच पर बैठे हुए जो इस प्रतियोगिता का जितने उपस्थित हैं जजेजगण, और इस मंच को जो संचालन कर रहे हैं सभी हमारे नौजवान साथियों, उपस्थित विभिन्न छात्रावास से आए हुए हमारे सभी बेटे एवं बेटियां, नौजवान छात्र छात्राएं एवं प्रेस के हमारे मित्रों, सबसे पहले मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज के उन तमाम पुरोहितगण को और विशेषकर ट्राइबल सोसाइटी के उन तमाम नौजवानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हर एक साल जिनके द्वारा बेहतरीन तरीके से तैयारी कर इस तरह का आयोजन उनके द्वारा किया जाता रहा है। आज ऐसी परिस्थिति में जब हम आदिवासियों के लिए बहुत चुनौती भरा समय है, हम एक और अपनी संस्कृति और परंपरा को उसको बचाने के लिए हमारे साथ चुनौती है, हमारा आदिवासियत को बचाने के लिए चुनौती है, हमारे जल जंगल जमीन को बचाने के लिए चुनौती है,
और इस समय में मुझे लगता है कि आप सभी विशेषकर जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं छात्र छात्राएं जो लोग हैं उनके ओर बहुत भारी जिम्मेवारी और चुनौती है और इस चुनौती को आप इस मंच में अपने जो हमारी संस्कृति और परंपरा को प्रस्तुत करते हुए आप इस चुनौती को स्वीकार करने का संकल्प लेने का काम आपके द्वारा किया जा रहा है ऐसा मैं मुझे विश्वास लगता है। आप सभी लोग इस मंच में आपको निश्चित रूप से एक अवसर मिलता है अपनी जो हमारी संस्कृति है हमारी जो परंपरा है हमारे जो गीत हैं हमारी जो नाच है मौसम के अनुसार आज हम याद करते हैं फादर जोन लकड़ा भी शायद यहाँ है या तो कहीं दूसरे जगह है फादर जोन लकड़ा जैसे महान लोग मौसमी गीत माने मौसम के अनुसार महीना के अनुसार कौन सा गीत होता है कौन सा बोली होता है उन तमाम नाच क्या होता है उन चीजों को संकलित करने का काम उनके द्वारा किया गया है और उन्हीं तमाम चीजों को हम एक त्योहार के बाद में इस मंच में जो आपके द्वारा कार्यक्रम किया जाता है प्रतियोगिता के रूप में आयोजन किया जाता है ये एक तरह से हमारी जो संस्कृति है हमारी जो परंपरा है हमारी जो अस्तित्व है चूंकि ये हमारे नाच हमारे गीत ये हमारा तमाम चीजों से हमारे खान पान से लेके खेती बाड़ी से लेकर के हमारा जन्म कर्म से लेकर के शादी ब्याह से लेकर के तमाम त्योहार से लेकर के सभी चीजों से ये चीज जुड़ी हुई है और ऐसे चीजों को आपके ऊपर मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी को आने वाले दिन में इसको आप संरक्षित करने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारे नौजवान बच्चे लोग छात्र छात्राएं लोग आप करेंगे इसलिए मैंने कहा कि आपके ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और ऐसे कार्यक्रम में आपको एक संकल्प आपको ऐसे कार्यक्रम में अपने आप को इसको समझते हुए इसको बचाने का आपको चुनौती को स्वीकार करने की आवश्यकता है और मुझे विश्वास है जिन चीजों को यह शिक्षा आपको दिया जा रहा है उसके आधार पर आप निश्चित रूप से इसको आप संरक्षित करने के लिए आप इस जिम्मेवारी को बेहतर तरीके से निभाएंगे यह इच्छा मुझे उसका इसका विश्वास है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं इसी कॉलेज में सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैं पढ़ा और आज के दिन में आप तमाम छात्र छात्राओं को मैं मुझे लगता है कि उन चीजों को याद कराना बताना मुझे बहुत ये जरूरी है इसलिए मैं इस चीजों को भी आपके सामने रखना चाहता हूं। 80 के दशक में हम लोग इस कॉलेज में पढ़ा करते थे तब और अब में कॉलेज में बहुत सारा परिवर्तन हुआ आज का परिस्थिति और उसका उस समय का परिस्थिति में काफी कुछ अंतर दिखता है और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि इसी कॉलेज से मैं भी पढ़ा हूं और भले हमारे जो बच्चे लोग हैं और भी शायद डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज में पढ़ते हैं लेकिन आप ग्रामीण इलाके में आ करके ग्रामीण इलाके से आकर आप राजधानी में अध्ययन कर रहे हैं छात्र छात्राएं लोग शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं एक तरफ से आप इसमें कई एक वर्ग के लोग यहाँ पर हैं मध्यम वर्ग के लोग भी हैं और उसे कमजोर वर्ग के भी लोग हैं लेकिन शहरी इलाका में आपको शिक्षा अध्ययन करने का प्राप्त करने का एक सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है इसीलिए आप निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि आज अगर इस स्टेट को मजबूत और समृद्ध बनाना है और विशेषकर आदिवासी का आदिवासी अस्तित्व और आदिवासी को मजबूत उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं उन अधिकारों को उनके तमाम चीजों को समझ चीज को बचाना है तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है ये आपका जो स्वर्णिम समय है इस समय को आप इसको
निश्चित रूप से इसको सही तरीके से उपयोग करना। और मुझे विश्वास है कि अगर ये उम्र में ये स्वर्णिम समय को आप सही तरीके से अगर इसका उपयोग किए तो मैं इसका उदाहरण हूं। आप छात्र छात्राएं मनुष्य और छात्र छात्राएं विशेषकर नौजवान लोग, आप जो कुछ भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो निश्चित रूप से आप उस पर प्राप्त कर सकते हो, ऊंचाई तक छू सकते हो। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। आपके सामने कोई ऐसा चीज कठिन नहीं है जो आप ठान लोगे, और युवा लोग आप लोग छात्र छात्राएं लोग ठान लोगे कि मुझे वीडियो बनना है, सीओ बनना है, आईपीएस बनना है, पुलिस सेवा में जाना है, प्रशासनिक सेवा में जाना है, बैंकिंग सेवा में जाना है, रेलवे सेवा में जाना है, सेना किसी भी तरह का सेवा में जाना है, चाहे आपको शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, चाहे जनप्रतिनिधि बन के आना है, अगर आप ठान लोगे और ईमानदारी से उस लक्ष्य को प्राप्त करते हुए करने के लिए अगर आप उस ओर आगे बढ़ोगे तो निश्चित रूप से ये चीज को आप प्राप्त कर सकते हो। आपको कोई नहीं डिगा सकता है। और समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो आप ऊंचाई तक जाकर के साथ साथ में आप लक्ष्य को प्राप्ति करते हुए आपको निश्चित रूप से आप ये चीजों को आपको मुकाम तक जा सकते हैं, और आप समाज के लिए, आदिवासी के लिए और इन चीजों के लिए आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। इसका एक ही उपाय है कि अभी आपका पढ़ने का समय है। बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी रास्ता में, इनसे भटकाव नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य, हमारा संस्कृति कैसे बचेगा, हमारी परंपरा कैसे बचेगी, हमारा जमीन कैसे बचेगा, हमारा जंगल कैसे बचेगा, हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा, हमारा समाज कैसे आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, इसको करने के लिए आपको शिक्षा जैसा चीज के साथ कोई समझौता मत करना। ये मेरा आज का दिन में आपको आग्रह है। आप शिक्षा के साथ, पढ़ाई के साथ नो कंप्रोमाइज। पढ़ाई शॉर्टकट में नहीं होता है, इसलिए मन लगा करके ध्यान लगा के पढ़ना। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, हम बनहोरा मेरा गांव है, हम किशोर नगर में पढ़ते थे, फादर बनबोटर का एक ऑर्फन स्कूल है नामकुम में। हमारे माँ बाप लोग जब हम लोग सातवां आठवां पढ़ रहे थे तो डायन बिसाई का केस में जेल चला गया था मेरा माँ बाप लोग, और उस परिस्थिति में हम लोग पांच भाई दो बहन, हम लोग के साथ में बहुत विपरीत परिस्थिति आ गया। मैंने एक फादर के साथ हमको संपर्क किया, फादर ने हमको यहाँ से किशोर नगर में भर्ती कराया और उस स्कूल में पढ़ा। वहां से मैं साइकिल से सेंट लुइस स्कूल आता था। वहां आने के बाद मैंने मैट्रिक पास किया और मैट्रिक पास करने के बाद संजीवेश स्कूल में पढ़ा, संजीवेश कॉलेज में पढ़ा। हमारे पास पैसा नहीं होता था उस समय, फादर डेबरावर हुआ करता था जीवित, और फादर डेबरावर गरीब लोगों को पैसा देता था। उसमें मेस फीस कॉलेज में 150 लगता था हम लोगों के यहाँ पर। फादर डेबरावर हमको पढ़ाया यहाँ से, हम यहीं से बीए पास किए, बीआईटी मेसरा से एमबीए किए, फिर बैंकिंग सेवा में गए पीओ बन करके। हम रांची में मैनेजर भी रहे, हमको मन नहीं लगा, फिर हम पॉलिटिक्स में आए और पॉलिटिक्स में भी हम सोचे कि हम एमएलए बनेंगे और बन गए, मंत्री बनेंगे, बन भी गए। और हमें जिस परिस्थिति से हमारे साथ जो परिस्थिति हुआ, हम आदिवासियों का आवाज को विधानसभा में हमने उठाया और उठाने के बाद एक साजिश के तहत हमारी सदस्यता चली गई। मैंने सोचा कि मैं इसके लिए मेरी बेटी को विधायक बनाऊंगा चाहे जो भी होगा, और आज आपके सामने बना के साक्षात खड़ा किए, ये आपको सोचना है। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप भले संसाधन आर्थिक रूप से गरीब हो सकते हो, भले आपके साथ कोई चीज का कमी हो सकता है, लेकिन अगर चाह लोगे कि मैं करूंगा, पहुंचूंगा और मैं वहां मुकाम तक जाऊंगा, जिस चीज को भी चाहोगे आप अगर ठान लोगे तो आपका मनुष्य का इच्छा आप चाह लोगे तो कोई नहीं रोक सकता है।
बशर्ते कि आपका तमन्ना और आपका जो संकल्प और आपका जो लक्ष्य निश्चित रूप से होना चाहिए। बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखा है। जब आप कॉलेज में पढ़ते थे तो लोयला हॉस्टल में हम पढ़ाने जाते थे, उस समय हमको 150 रुपया फादर कमाते थे। लोयला में हम पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे, हमको पैसा 150 रुपया मिला करता था उस समय, बता कर। तो ये चीजें हैं, इसलिए मैं आज हमारा कार्यक्रम दूसरे जगह भी था, लेकिन आज के बदलते परिवेश में मैं सिर्फ और सिर्फ कहना चाहूंगा, आज यहाँ जितने भी बच्चे हैं, अगर 90% भी बच्चा हमारा अच्छा जगह पर पहुंच जाएगा तो झारखंड का सुख समृद्धि को विकसित करने के लिए दूसरा कोई ताकत नहीं रोक सकता है, कोई ताकत नहीं रोक सकता है, ये मुझे विश्वास है। इसीलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आप ये संकल्प लेकर के जाओ। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग थे, पीयूष लकड़ा एक यहाँ पर थे, पीयूष लकड़ा, उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम वगैरह को शुरू किया था, शायद मेरी कुछ जानकारी सही होगा तो मैं इसके बारे में कहूंगा। उसी तरह से फादर जोन, ये इस तरह का चीजों को नाच गान के संबंध में संकलित करने का उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मेरे आप लोग सभी लोग बाल बच्चे की तरह है, हम तमाम लोगों का, चाहे फादर प्रिंसिपल का हो, जितने गेस्ट लोग हैं, हम सारे लोग आपके साथ प्रोग्राम में उपस्थित हो करके, हमारा सार्थकता तभी पूरा होगा जिस दिन हमारा आदिवासी बच्चे लोग चीजों को ध्यान में इधर उधर ना भटकाव होते हुए अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अभी आप देख रहे थे हमारे आदिवासी कार्यक्रम में किस तरह से तीर से आपको निशाना करके दिखा रहा था, याद करो, यहाँ पर तीर दिखा रहा था आपको, मतलब निशाना चूकना नहीं चाहिए। कहने का मतलब कि आपका जीवन को बेहतर बनाने के लिए कोई भी निशाना आपका चूक नहीं होना चाहिए, ये संकल्प लेकर के जाना, यही मेरा आप सभी लोगों से अपील है। और आखिरी में मैं कहना चाहूंगा कि आज इस साल के हर एक साल जो कार्यक्रम होता है, हम प्रत्येक साल नई चीजें हो, हमारे समाज में चीजें हो, ये तमाम चीजों के बारे में हम सभी लोग इसको हम लोग एक जिम्मेवारी पूर्वक काम करें तो निश्चित रूप से हम लोग समाज को एक आगे बढ़ा सकते हैं, समाज को एक दिशा दे सकते हैं। चूंकि बहुत सारा कंपटीशन का जमाना है, प्रतिस्पर्धा का जमाना है, लाखों लोग परीक्षा लिखता है, 10-12 लोग सफल होता है, इसलिए आपको उसी तरीके से हिम्मत के साथ, साहस के साथ मेहनत करना और ऊंचाई तक पहुंचना, यही मेरी शुभकामना है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एवं जोहार।